अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर से बातचीत हो चुकी है, लेकिन इधर आपको पता है कूड़ी लगी वो हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है, हो नहीं रही, बन रही है, जाग रही है लेकिन उठ के बाहर नहीं आ रही। भाइयों के घर चक्कर लगाते हैं, थोड़ी बातचीत भी हो जाती है। एक दिन बीबी के बारी होती है, एक दिन डोले की। चलो पूरी बस्ती घूमो, मेरे लिए सालन से ढूंढ के ले आओ। क्योंकि रात हो जाएगा, पत्ता कर लो, बच्चों की रोजी करनी है। आप कोई बच्चों की रोजी करनी है तो बताओ। चलो आपकी मेहरबानी है, आपने बता दिया। सताईस है रही, सतीसवीं हाजत की। वालेकुम सलाम। क्या खाने जाता है? नहीं, माहौल देख रहा है ना कि इस टाइम को क्या। मैं आपके साथ चलता हूँ, उधर गया तो फिर दही लेके जाता हूँ। 3:10-15 पे वापस आ जाता हूँ। चलें जी, अभी हम चलते हैं। वो लाइटें क्यों बंद हैं यार बाहर वाली? बटन लगा दिया भी मैंने, 3 बजे जलाई उसको। बल्कि नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं मज़ेदार सा व्लॉग। और आज है जी हमारी 7वीं ही सहरी। हाँ, 27 की रात थी ना, 27 जो है ना रोज़े की सहरी जो है हमारी वो रेडी हो रही है। और दही जो है वो भी मैं लेकर आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपको पता है, आप जानते हैं कि पूरा रमज़ान जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन के हिसाब से मैंने गुजारा है। आस्ता आस्ता रूटीन के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि एक चीज़ रूटीन में से चलाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का खास करम, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि रमज़ान के रोज़े जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई सेहत भी अल्लाह पाक ने दी है, तंदुरुस्ती वाली सेहत दी है अल्लाह पाक ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी हम मुकम्मल आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं। तो बाकी के जो रहते हैं तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक वो भी हमारे नसीब में करे। अल्लाह पाक हमें लंबी ज़िंदगी दे और तमाम देखने वालों को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। और इधर जो है ना नादिया बना रही है जी सहरी का इंतज़ाम कर रही है। जैसे आप जानते हैं कि ये रात हमने बनाया था वो ख़त्म के लिए ना, ये चिकन पुलाव। तो थोड़ा सा चिकन ना हमने निकाल लिया था कि सहरी के लिए ना सालन वगैरह भी बनाएंगे, तो थोड़ा सा चिकन निकाल लिया था। अभी इन्होंने लगता है उसमें पानी ऐड किया है, पानी ऐड करके अभी थोड़ा उनको भड़का रही है कि ये जो है ना अच्छी तरह भड़क जावे, फिर जो है ना हम अपनी सहरी करेंगे। और आटा भी अभी इन्होंने गूंदा है, क्योंकि रात जैसे आपने को मैंने बताया कि बिरयानी बनाया था चिकन पुलाव, तो इस वजह से आटा वगैरह गूंद के नहीं रखा था, तो आटा जो है अभी गूंद के रखा है। चाय वगैरह भी इन्होंने लगता है रेडी कर ली है। और इधर ये देखें, ये आ गए। आपका क्या काम है जी इस टाइम उठ के आ गए? भूख लग गई? हाँ जी। तो मुंह तो धो लो, आंखें खुल जाएंगी। जाओ जाओ जाओ, मुंह धो लो फिर आंखें आपकी खुल जाएंगी। ऐसे आके आंखें मीट कैसे ऐसे कर रहा है जैसे वो आवाज सुनता है ना हमारी, तो आवाज सुनता है फिर उठ के आ जाता है। तो आप भी दुआ सलाम कर लें, फिर उसके बाद व्लॉग समझे शुरू तो हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूल उगते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपकी दुआओं से। तो व्लॉग जी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। हाँ जी, आज का आपको व्लॉग दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। तो आपने ज़रूर हमारे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तमाम देखने वालों की नेक ख्वाहिशात अल्लाह पाक पूरी फरमाए। और आपने भी हमारे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना हमें ये वाला घर जो है ना ये थोड़ा ऊपर करने की जो है ना वो क्या कहते हैं हिम्मत कुवत दे दे, हमारी रोज़ी रिस्क में बरकत डालें, और ये कमरे जो हमारे नीचे हैं ये थोड़े ऊपर निकल जाएं, ताकि हम जो है ना फिर आसानी से अंदर आ जा सकें, क्योंकि अंदर आने जाने का भी काफ़ी मसला है और ज़्यादा नीचे चले गए हैं तो इसकी वजह से जो है ना इसका वो गर्मियों में अंदर बैठना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तमाम बहन भाई जानते हैं जैसे, तो फिर जो है ना
फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं बन रही कि हम जो है इनको बना लें। काफी साल हो गए हैं कि हम ये इसको बनाए, क्योंकि जब हम इधर आके बैठे थे उस टाइम जो हालात थे हालात के मुताबिक हमने बनाया था, तो इसका जो है ना वो दो नंबर इट हमने लगा दी थी। अभी इटें जो है इसकी वो भी खराब हो चुकी हैं, तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि इस माह रमजान के सदके अल्लाह पाक जो है ना हमारी रोजी रिस्क में बरकतें अता फरमाए। और तमाम बहन भाइयों ने भी हमारे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना हमारे जो है ना रोजी रिस्क में बरकतें अता फरमाए और हम जो है ना ये घर जो है थोड़ा अच्छा जो है ना वो बना सकें। तो बाकी जैसे वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक को मंजूर होता है वैसे होता है, तो जैसे अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में अगर है तो बना लेंगे, नहीं तो जिसके नसीब में होगा वो बनाते रहेंगे बैठे रहेंगे, क्योंकि जिंदगी की बात है, जिंदगी का पता नहीं है, तो कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का एक मिनट का पता नहीं है, कल ना हो ये भी पता नहीं है जिंदगी का। हाँ जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक फुर्सत देगा, अल्लाह पाक फुर्सत देगा, इंशाल्लाह इनको मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत है। हाँ, सिर्फ ये हमारे कमरों की खास कर ज्यादा जरूरत है और तो कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो सर्किट अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है जैसे आपको तमाम बहन भाई जानते हैं, सिर्फ इसका जो है ना ये फुर्सत बन जाए तो हम इनको तोड़ के ना फिर इधर ना इस जगह पे ही दो न्यू कमरे जो है वो डाल सकें, ताकि थोड़े ऊपर आ जाएंगे इस बर्थी के बराबर आ जाएंगे, वो जो नीचे पड़े है ना वो सिस्टम काफी इसमें काफी हमें मुश्किल होती है, यानी कि चार पहिया निकालनी है आने जाने, अगर फिर बारिश वगैरह आती है या वैसे भी अंदर फर्श धोना पड़े तो काफी मुश्किल का सामना। जब से ये कमरे नीचे हुए हैं तो हमने एक बार भी फर्श नहीं धोए, पानी निकलने की जगह नहीं है, तो इस वजह से पोछा वगैरह जो है वो लगा लेते हैं कि जो है ना साफ हो जाए, लेकिन फिर भी अगर इंसान धो ले फर्श को तो फिर उससे भी अच्छा हो जाता है कमरा। हाँ जी, लेकिन नहीं धो पाती क्योंकि ये कमरे नीचे होने की वजह से क्योंकि काफी बहन भाई मुझे कहते थे जब आपके पास फुर्सत नहीं थी तो आपने आगे बर्थी नहीं डालनी थी, कमरे जो है आपने नीचे नहीं करने थे, तो ये अगर बर्थी नहीं डालते थे तो हम इधर एक मिनट भी नहीं गुजर हमारा नहीं गुजारा होता था। उसकी वजह यह है कि अभी ऊंचे हो गया ना फैन, इधर चार पहिया डाल के हम बैठते हैं तो हवा की जो है ना वो हवा आ जाती है, लगती है हवा, अगर ये ना होती तो इमारतें आप देख सकते हैं इधर से कितनी ऊपर इमारत है और इधर से भी इमारतें, तो ये नीचे बिल्कुल हो गए थे तो इधर हवा भी नहीं आती थी, तो इस वजह से हमने जो है ना बर्थी डाली थी ताकि बाहर जब निकलें तो खासकर गर्मियों में तो हवा हमें चलो थोड़ी बहुत काम दे। लेकिन आपने दुआ करनी है जी, अल्लाह पाक जो है ना हमारी ये परेशानियां जो है ये दूर फरमाए, अल्लाह पाक सब की परेशानियां दूर फरमाए, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमाए, तो ख़ासकर जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, क्योंकि औलाद के बगैर भी आपको पता है भी इंसान जो है ना वो कहता है अल्लाह पाक मुझे औलाद देता, तो हंसी मजाक बच्चों के साथ होती है, घर का जो फैमिली होती है बच्चों के साथ बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चों की चिल बिल होती रहती है ना, बच्चों के साथ दिल लगा रहता है, अगर अकेले दो मियां बीवी हो ना तो फिर समझ लें कि बच्चे ना हो तो फिर भी इंसान का वो ज़िंदगी गुजारना जो है ना ऐसे अजीब सा लगता है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें दी है जैसे औलाद से नवाजा है, अल्लाह पाक ने बेटियाँ भी हैं बेटे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कहते हैं कि जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, बेटियाँ दे बेटे दे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दुआ होती है। और ऐसे ना आपके साथ बैठ के पापे खा रहे हूँ जैसे ये पापे खा रहा है वो भी चाय के साथ ऐसे ना ठीक हो गया जी, काफ़ी बात जो है ना वो लंबी हो गई है क्योंकि ये बात करनी मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी थी, क्योंकि मैं कह रहा था कि तमाम बहन भाइयों को ये सूरत हाल जो है वो बता देती हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना है, आज 27 रोज़े की जो है हम सहरी कर रहे हैं, तो आपने हाथ उठा कर दुआ कर देनी है कि अल्लाह पाक जो है ना मेरी इतनी एक मुझे फुर्सत दे के मैं ये कमरे ऊपर कर सकूं, सही है ना नादिया? बहन भाई क्योंकि देखने वाले भी दुआ करते हैं, वो कहते हैं ना दुआ में काफ़ी असर होता है, किसी की दुआ भी किसी टाइम भी अल्लाह पाक सुन ले तो उनकी दुआ करने का उनको जो है ना वो अजर सवाब मिल जाएगा, अजर मिल जाएगा कि किसी के लिए दुआ की है, तो इधर हमारी जो है वो आसानी हो जाएगी और अल्लाह पाक सब के ऊपर राज़ी हो, अल्लाह पाक सब को अपनी ईमान में रखे, आसानियां पैदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे आपने देखा इधर सहरी जो है वो हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है, हो नहीं रही बन रही है, और इधर देखें जी वो देखें
ये सामने जाग रही है, जाग रही है लेकिन उठ के बाहर नहीं आ रही। हाँ उठना है बाहर। हाजरा उठना है, आ जाओ उठ के, आ जाओ। तो अभी जी मैं चलता हूँ, थोड़ा राउंड लगाता हूँ। तो इधर जो है ना, जब तक सहरी वगैरह जो है वो बन जाएगी, और फिर उसके बाद जो है ना मैं वापस आके फिर सहरी भी करूँगा और बाकी भी लोग भी आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करता रहूँगा। क्योंकि ऐसे होता है ना, थोड़ी भाइयों के घर चक्कर वगैरह लगा लेते हैं, उसकी वजह ये होती है कि व्लॉग जो है वो भी हमारा कुछ ना कुछ पूरा हो जाता है, आगे हो जाता है। अगर एक जगह पे हम दो मियां बीवी बनाते रहें तो फिर आपको पता है वो व्लॉग पूरा व्लॉग भी नहीं होता। तो इस वजह से जो है ना भाइयों के घर चक्कर लगाते हैं, थोड़ी बातचीत भी हो जाती है, और उसके बाद जो भी सिस्टम होता है, निज़ाम होता है, वो भी तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर कर देते हैं और देखते रहते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो बीबी उठ के आ गई। आज एक दिन बीबी का बारी होती है, एक दिन डोले की। अच्छा, ये तो है चाय पापा खाने वाला। जैसे ये देखें, ये भी साथ है मेरे। ये भी उठ के चाय पापा खा के भी आ गया। माशाल्लाह, ये भी खा रही है और फिर बन रही है सहरी। अच्छा, तो क्या बनाया था सालन? बात कर पाएंगे, ये तो बात हो रही है अभी सालन की। मुझे कहिए जाएं जहाँ से मुझे सालन ले आओ। मैंने कहा चलो पूरी बस्ती घूमो, मेरे लिए सालन से ढूंढ के ले आओ। क्योंकि रात सब ने बनाया था, मैं कह रहा चावल वगैरह ये चीज़ें। हाँ जी, तो हमने तो थोड़ा उसमें से ना, हमने चिकन लिया था, फिर थोड़ा सा चिकन हमने निकाल लिया था भून के ना। तो अभी यानी के थोड़ा सा उसमें पानी डाला है अभी, वो फ्राई पान में ना डाल के, हमने कहा सहरी हो जाएगी। मतलब तो पत्ता कर लो, बहरहाल अभी तक हमने तो नहीं की सहरी। तो क्योंकि हमने ना वो निकाला था ना अपना, वो निकाल लिया था थोड़ा चिकन ना, मैंने कहा सहरी तो करनी है ना। मुझे पता था कि किसी के घर भी सालन नहीं होगा ना, फिर मटर वाले आपने बनाए थे ना चावल। हाँ। सही सही। चलें जी, आप कहाँ पीछे पीछे मेरे आ रहे हो? आपके पीछे पीछे। वजह क्या है पीछे पीछे भागने की? कोई वजह बताओ ना। कोई तो वजह होती है ना, कि इंसान जो चलता है उसकी कोई वजह होती है। ये कौन सा टाइम है घूमने फिरने का? दिन को इंसान घूमता फिरता है, रात को थोड़ी फिरता है। मेरा तो मजबूरी है, मैंने व्लॉग बनाना है, मैंने बच्चों की रोजी करनी है। आप कोई बच्चों की रोजी करनी है तो बताओ। हाँ, आपने बच्चों की रोजी करनी है तो बताओ। वही बात है ना, मेरी तो मजबूरी है, मैंने बच्चों की रोजी करनी है, मैं तो बना रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, मैंने व्लॉग बनाना है। अच्छा, चलो आपकी मेहरबानी है, आपने बता दिया, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर से बातचीत हो चुकी है, लेकिन इधर आपको पता है कुंडी लगी होती है। तो ये भी वैसे जाग तो रहे होते हैं, ये कोई बहन भाई ना कहे कि हो सकता है वो सोए रहें, लेकिन वो जाग रहे होते हैं, सहरी वगैरह जो है ना सब कर रहे होते हैं। अभी मैं चलता हूँ इधर सालन का पता करता हूँ, अगर सालन ज़्यादा कुछ है ना तो वो भाभी के लिए ना थोड़ा दे देते हैं, ताकि वो जो है ना सहरी कर लें। तो बाकी तो आपको पता है गुजारा मुजारा हो ही जाता है, ये तो ऐसी बात नहीं है। वो हाजरा, हाजरा भी उठ के आ गई है, लगता है उस टाइम उठा रहा था, उठ के आ गई। वो ना एक बंदे जितना सालन दे दे वसीम को ना मुंगरी में, भाभी कहती है मैं खाती हूँ सालन, बाकी नहीं खाते। तो उन्होंने वो मटरों वाले चावल रात बनाए थे, सालन नहीं है। सही है, वसीम को दे देना, वो उधर दे के आ जाएगा। आज आ जाओगे ना? हाँ जी। इधर डाल दो, अभी मैं जा रहा हूँ आगे। सही है, मैंने कहा इधर बोल के जाता हूँ, मैंने कहा हमने भी चिकन तो वैसे निकाला था थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अभी पानी डाला है, गुजारा हो जाएगा, सहरी उनकी भी हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी। चलो जी ले जाओ,
सुकून से जाना, ये ना हो कि रास्ते में गिरा दो। वैसे मैं भी जा रहा हूँ आपके साथ, मैं आगे चला जाऊँगा उधर और आप जो है ना इधर चले जाना, सही है? आराम आराम से, क्योंकि अंधेरा है ना, ये ना हो कि कहीं पर गिर जाओ। आगे तो लाइटिंग है वैसे, सिर्फ इतने अपने गेट के अंदर ना गली में, उधर थोड़ा ना अंधेरा होता है। अभी चला जाओगा? चला जाएगा ना? चलो ओके, हो गया जी। वो जो है ना अभी जा रहा है और हम जो है ना इधर चलते हैं आगे आगे। और इधर भी आज आगे वाले सामने वाली लाइटें वगैरह सारी बंद है, पता नहीं इसका क्या इशू है, क्या रीज़न है, क्यों बंद की हुई है, सब लाइटें बंद है। देखें, वो देखें, कैमरे चल रहे हैं, बाकी लाइटें बंद है। माशाल्लाह जी अभी इधर पहुंच चुके हैं, ये तो मेरे साथ ही घूम रहा है आज। और इधर बनाई जा रही है जी सहरी। अस्सलाम वालेकुम। चाय बन रही है? ये इतनी थोड़ी चाय बनाते हो क्या? सिर्फ उम्मीद अब पीते हैं बस, और कोई नहीं पीता। बाकी कोई चाय नहीं पीता? कोई भी नहीं। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद साहब, वो आप लोग किस तरफ आए थे? नहीं आए थे, हम तो उधर से आए, असगर भाई वालों घर घर से आए, फिर अपने घर गया, उधर भी नहीं था। पूरा पता नहीं है, वो भाई मोल भी आए थे ना, उनको कहने गए थे, वो दही ले आया मेरा ना, फिर वापस नहीं आया, पता नहीं अब उधर चले गए। हो सकता है उधर ना चले गए आपकी, चले होंगे क्योंकि रात से हमारा बेबो जनी उधर ही है, वो नहीं आया घर पे। अच्छा अच्छा, फोन करके बता दिया कि मैं आज आप लोग के साथ नहीं आऊँगा, तो उसके बाबा को पूरी रात नींद नहीं आई थी, वो रात को निकलना पड़ेगा, तो इसी वजह से वो भाग नहीं, रात को तो नहीं निकलेगा शायद। वो आपको यही बात कही है कि मेन गेट बंद होगा, ऊपर से वो दरवाजे वाली कुंडियां वगैरह सारी बंद होती हैं, इसको हम निकलने ही नहीं देंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है ना हमसे अलग सो जाए ना, इसी वजह से भाई कहा तो गई है, वो मेरे ख्याल में आ गए। चलो जी चलिए। और इधर भी माशाल्लाह सहरी बन रही है, वो कितनी? 27 सहरी, 27वीं सहरी है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और अम्मी जान जो है ना लगता है तैयारी कर रही है ताज्जत की। वालेकुम सलाम। वसीम जान उठा हुआ है, ये उठ तो जाता है रोज, रोज तो नहीं नजर आता ना, जहाँ से नजर आ रहा है, लेकिन ये आज पीछे पीछे घूम रहा है। अच्छा, देख रहा है मेरा बाबा ना रोज क्या खाने जाता है? नहीं, माहौल देख रहा है ना कि इस टाइम का क्या माहौल होता है, जहाँ पर भी जाता हूँ साथ आ जाता है भाग के। सही है। आप कहाँ गए थे? मैं यार वो मौलवी आ गया था पीछे जैन को लेने, तो मैंने कहा यार वो जैन के तो जैन जो है ना वो सोया हुआ है, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। उधर गया तो फिर दही ली, कहता है आपने कितनी लेनी? मैंने कहा यार आज मूड ही नहीं है लेने का। तो फिर जो है ना वापस आ गए, फिर अभी मुझे छोड़ा भी चला गया। मैंने कहा यार आप लेट उठते हो, हम अकरम भाई को मैंने कहा है वो जैन को ले जाते हैं और वापसी भी ले जाते हैं, आप लेट उठते हो ना, हमें फिर मज़ा नहीं आता लेट सैरी का। अभी मैंने उसको बोला सिर्फ एक घंटा रह गया, रोटी भी बनानी है, चाय भी बनानी है, सैरी भी करनी है, कहता है बहुत है हमें, बहुत है। मैं रेट 3 बजे चला जाता हूँ, 3 बजे रेट जाता हूँ, 3:10-15 पे वापस आ जाता हूँ, ये 3:30 के बाद जाता है। अभी टाइम जो है ना वो देखे 3:40 हो गए। हाँ भाई, 1 घंटा ही, पूरा 1 घंटा बाकी है, 1 घंटा है। अभी हम भी चलते हैं, सैरी वगैरह करते हैं। हाँ जी। और उसके बाद मैंने कहा शायद उधर गया है, सबा कह रही थी वो बेबो जानी रात का उधर है ना, हो सकता है उधर चक्कर लगाने गया हो। नहीं नहीं, वो अगर मसला होगा तो वो पहुंचा देंगे उसको। हाँ वो तो नो टेंशन। चलें जी अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि इधर की रूटीन भी आपको शेयर कर दी है, दिखा दी है। अच्छा वो मैं भूल गया यार, वो पूछना भूल गया यार, दोबारा पूछना पड़ेगा, वो लाइटें क्यों बंद है यार बाहर वाली? वो अब वो होते नहीं है ना कोई, तो वो भूल जाती है फिर। वो बाल के रखा करो यार, वो लाजमी है। बस वो अभी तो टाइम गुजर गया, बाल के नहीं, अब तो गुजर गया ना, आप तो सुबह हो गई ना, कल इंशाल्लाह फिर याद करेंगे, याद करके वो बटन लगा दिया। कल मैंने 3 बजे जलाई उसको, बल्कि नहीं 1:30 बजे जलाई, मुझे याद है, क्योंकि मैं अभी आया ना, रोशनी होती थी ना, लेकिन आज जो है अंधेरा था, मैंने कहा इधर अंधेरा क्यों है, मैंने कहा लगता है भूल गए हैं।
चलो जी ओके हो गया, वही बात हुई ना कि भूल 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 जाते हैं, क्योंकि उधर बैठक वाली साइड पे जाता कोई नहीं है ना, वो उधर लाइटिंग वगैरह उधर है, उनके बटन वगैरह उधर लगे हुए हैं ना, मामू जान जो है ना वो चला देते थे, लेकिन आपको पता है कि मामू जान फिर तो ईद है ना, वो फिर ईद पे हर बंदा घर भी जाता है बच्चों के साथ। कैसे हुए? हाँ जी सही बात की है मैंने। हाँ जी क्या गलत की है? बिल्कुल राइट राइट है। हाँ जी वाह 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 वा, वा, वसीम खान तेरी जिंदगी की खैर होए वाह। वसीम खान ने जो ओए आजा 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 काट ना ले, ये गेट साथ लगा देना, कूंडी नहीं लगानी, क्योंकि वो फिर आपके चाचू वगैरह ना आते रहते हैं और मौजम भी आता रहता है ना। हाँ जी लस्सी पीने ना, फिर ये ना हो कि हम इधर बैठे रहें वो इधर दर को कुट कुट के खड़काता रहे फिर कहे पता नहीं कोई आता ही नहीं है। अभी पहुंच गया हूँ वापस, पहुंच गया हूँ वापस। क्या दे आए हैं? सालन। सालन सालन तो वसीम दे आया था ना। अभी हम बैठता है, हम करता है सहरी, साइड पे हो जा भी, ये ले। मुझे बैठने दो और मैंने जो है ना सहरी खानी है। सहरी खानी नहीं है, सहरी ऊपर चलानी है अल्लाह के पास। सहरी खाई जाती है भाई, सहरी जो है ना वो खाई जाती है। अभी मैं सहरी जो है वो खाता हूँ और जिस बहन भाई ने हमारे साथ सहरी खानी है जी बिस्मिल्लाह वेलकम आ सकती हैं। और बन गई रोटी? एक ग्लास। अच्छा लस्सी वगैरह वो तो अभी नहीं स्टार्ट की होगी ना? मैं डाल के उधर बोतल में घुमाते हो? हाँ जी। इसको चलो डाल दें, बोतल लेके पहले उसमें पानी डाल, उसको पानी डाल के उसको धो लो, फिर उसके बाद जो है ना दही डाल के ना फिर वो आपको ना इसको सारा डोल दो। हाँ ये डोल दो। तो अभी जो है ना लगता है एक लास्ट रोटी रखी है नादिया ने, है ना? चलो जी अभी सहरी कर लें, फिर इंशाल्लाह बाकी का भी लोग भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे जैसे भी बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब से ये रमज़ान आया ना, रमज़ान के हिसाब से अगर देखा जाए तो सहरी इफ्तारी ये दो वीडियो जो है ना इंसान बना सकता है, क्योंकि बीच में जो है ना दिन को फिर आपको पता है रोज़े में ना फिर ज़्यादा इंसान बोल भी नहीं सकता, ज़्यादा इधर उधर वो घूमता फिरता भी नहीं है, सुकून से अपना जो है ना वो ईद के बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी रखे जी, तो इंशाल्लाह अच्छे अच्छे इससे भी अच्छे अच्छे ये भी माशाल्लाह रमज़ान के भी लोग हैं, बहुत माशाल्लाह प्यारे भी लोग होते हैं, लेकिन मज़ीद जो है ना न्यू अच्छे अच्छे भी लोग लेकर आएंगे आपके साथ, ताकि आप तमाम देखने वाले जो हमारे साथ रमज़ान में भी जुड़े रहे देखते रहे वीडियो हमारी वो इंशाल्लाह ईद के बाद भी देखते रहेंगे, है ना? ऐसे ही है ना? माशाल्लाह जी वसीम और हाजरा ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है लस्सी बनाने का, ये देखें। और इधर से ट्रेन भी आ चुकी है, उसका भी शोर काफी ज्यादा आ रहा है। हाजरा आप बना रही हो, वसीम बना रहा है? हाजरा भी बना रही है, मैं भी बना रहा हूं। अब आपकी बारी। चलो बनाओ, देखो हाजरा कैसे बनाती है। वाह पिस्तौल मार रही है क्या तरीका है इसका वीडियो लस्सी बनाने का, ऊपर क्यों कर रही हो? ऊपर भी मार रही है, नीचे ऐसे ऐसे हलाओ ना, ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे बनती है। और इधर जी मेरे लिए खाना जो है वो आ चुका है, ये है सालन जैसे आपको मैंने बताया, और इधर है जी हमारी गर्मा गर्म रोटी। तो जिस मैं भाई ने हमारे साथ सहरी करनी है जी बिस्मिल्लाह वेलकम, वो आ सकती हैं। मैं सहरी कर रहा हूँ और बाकी बच्चे वगैरह पापे वगैरह खाते हैं, और नादिया जो है इधर पानी गर्म कर रही है, क्योंकि वो लस्सी में डालते हैं पानी तो तब जो है ना वो हमारा मक्खन वगैरह निकलता है और लस्सी जो है ना जल्दी बन जाती है, ऐसे ज़्यादा ठंडी दही होती है ना वो फिर हमारी लस्सी नहीं बनती अच्छी तरह, ऐसे ना? हाँ